है और भारत अपनी चेतना में भी युवा है। और अटल जी ने इसी संसद में खड़े होकर के कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, अभी तो एक जीता जागता राष्ट्र, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा में रहती हुई नदियों को कोई यदि कान लगाकर सुनेगा तो उनसे केवल एक ही आवाज आएगी, भारत भारत नो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव, मैं हूं व्यास कुमार। आज हम आपको बताएंगे मॉडल पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की कार्यवाही किस प्रकार से चल रही है। ये कार्यक्रम चल रहा है IDIL के तहत केशव सृष्टि स्थित राम भाव मालगी में। तो आइए देखते हैं मॉडल पार्लियामेंट की कार्यवाही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान, जिसके माध्यम से लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जिसे युवा प्रतिभा और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इकाई और शासन के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। रामभाव मालगी प्रबोधिनी में भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान के पाठ्यक्रम निर्देशक देवेंद्र पै के नेतृत्व में 17 व 18 मई को 2 दिवसीय मॉडल पार्लियामेंट के 6th सत्र का आयोजन तेलंगाना हजूराबाद के विधायक व पूर्व वित्त मंत्री एटाले राजेंद्र तथा जिला प्रेसिडेंट जिला परिषद उत्तर गोवा के सिद्धेश श्रीपद नाइक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां पर IIDIL पाठ्यक्रम के देश के विभिन्न राज्यों के 30 छात्रों ने मॉडल पार्लियामेंट में भाग लिया। इस दौरान छात्रों को सत्ता व विपक्ष के रूप में विभाजित कर संसद चलाई गई, जहां पर छात्र छात्राओं को वास्तविक सांसद के रूप में प्रस्तुत कर संसद के प्रश्नकाल, ध्यानोत्कर्षण प्रस्ताव, विधेयक प्रस्तुत करने के साथ ही संसद के व्यवहारिक कामकाज की समझ प्रदान की गई। इस 2 दिवसीय मॉडल पार्लियामेंट के दौरान NRC, वित्त विधेयक, युवा आरक्षण बिल आदि विषयों पर सदन में बहुत जमकर गर्मा गर्म नोकझोंक भी हुई। इस अवसर पर IIDIL पाठ्यक्रम के निर्देशक देवेंद्र पै ने बताया कि यह कार्यक्रम उन छात्रों पर केंद्रित है जो राजनीति, शासन, सार्वजनिक मामलों और नेतृत्व के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के माध्यम से प्रशिक्षित, नैतिक और जिम्मेदार नेताओं को तैयार करने, नए भारत के लिए नए नेता के रूप में इसे डिजाइन किया गया है। इस संसद सत्र को लेकर संसद के सभापति, प्रेसिडेंट जिला परिषद नॉर्थ गोवा के श्री सिद्धेश श्रीपद नाइक ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, वह भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पूर्व यह जो आज की यह जो मॉडल पार्लियामेंट जो की गई है, यह एक तरह से मिनी संसद का ही रूप था, जिसमें संसद में किस प्रकार से प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, प्रधानमंत्री किस प्रकार से उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, ये इस प्रकार की कार्यवाही आज की इस संसद में देखी गई। साथ ही गृह मंत्री व वित्त मंत्री द्वारा किस प्रकार से इस संसद के दौरान विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया गया, वह भी आज की इस संसद के दौरान हमें देखने को मिला। इस विषय को लेकर इस संसद सत्र को के सभापति, प्रेसिडेंट जिला परिषद नॉर्थ गोवा के श्री सिद्धेश श्रीपद नाइक ने जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए व्यास कुमार रावल की रिपोर्ट। सर, आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल पार्लियामेंट का यहाँ पर आयोजन किया गया है, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक
बहुत बढ़िया एक्सपोजर इस माध्यम से उनको मिल रहा है, और किस प्रकार से हमें हाउस में बिहेव करना है, किस प्रकार से हमें हाउस में बिल प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से आर्गुमेंट करना है, ये इसकी तैयारी जो है, और इसको कैसे जो स्टेज फियर हम बोलते हैं, तो इसको कैसे मन से निकालना है, ये इसका एक जो प्रयत्न है वो इसके थ्रू इंस्टीट्यूट कर रहा है। ये देख के खूब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दीज आर द नेक्स्ट पॉलिटिकल हीरोज ऑफ इंडिया आई फील, और मुझे लगता है इनको ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ऐसे इनिशिएटिव लेके ही देनी चाहिए, और वो इंस्टीट्यूट कर रहा है, इससे ये देख के बहुत खुशी होती है। सर, केशव षष्ठी राम भाव प्रबोधिनि बालकी में देवेंद्र जी पई के नेतृत्व में जो IITL जो चल रहा है, वर्तमान में देश भर के करीब अलग अलग प्रांतों के 30 विद्यार्थी यहाँ पर इसमें भाग ले रहे हैं, इस कोर्स में भाग ले रहे हैं, आपको ये यहाँ का IITL कैसा लगा, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देवेंद्र पई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, और इवन एजुकेशन वाइज वो मेरे वैसे तो जूनियर हैं, पर हमने एक ही कॉलेज से इस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, और ये सब्जेक्ट अगर हर जगह पहुंच रहा है, आज देवेंद्र और रामभाव मार्गी प्रबोधिनि के सभी ऑफिशियल्स को मैं धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि आज अगर हम यूथ को ट्रेनिंग दे सके कि वो आगे चल के इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी दे, तो इसी प्रोसेस से ये हो सकता है, और IITL ये कर रहा है, इसके लिए उनका बहुत मन से आभार व्यक्त करता हूँ। बात करने के लिए धन्यवाद।